आज मैं रिव्यू करने वाला इस साल की एक अभी तक की सबसे बड़ी मूवी जो फ्लॉप हो गई थी, तो मूवी है मैदान, जिसको क्रिटिक्स ने भी अच्छा खासा प्यार दिया था, उसके बाद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। तो मैं आपको वो वजह बताऊंगा जिससे आप मूवी को देख सकते हैं। तो मूवी की स्टोरी बहुत सी पहले की सपोज ड्रामा फिल्म की तरह ही है, जिसमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिस पर किसी को यकीन नहीं है, और वो अपनी कोचिंग से एक ऐसी टीम बनाता है जो भारत में आज तक नहीं बनी। तो मूवी एक रियल इंसान की कहानी है जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम, जिन्होंने 1962 में इंडिया को पहला एशियन मेडल दिलवाया था। तो आपका एक सवाल मैं सबसे पहले क्लियर करने वाला वो है, क्या ये मूवी ऑल स्पोर्ट ड्रामा से अलग है? तो हाँ, कुछ मायनों में मूवी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल दिखाया है जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। तो मूवी का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला प्लस पॉइंट तो तभी हो जाता है जब आप 3 घंटे की मूवी बना रहे हो और वो आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज करके रखे, तो ये मूवी आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज करके रखती है। अब मैं आपको इस रिव्यू में वो बातें नहीं बताऊंगा जो आपने पहले बहुत से इस मूवी के रिव्यू में देखी होगी। तो जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट इस मूवी के लगे वो है ऐसे रहीम साहब का किरदार। अब मूवी में और असल जिंदगी में इनका एक ऐसा टाइम आता है जब ये सब गिव अप कर देते हैं, पर ये बंदा जो कुछ अपने काम अपने देश अपनी जिंदगी के लिए करता है वो बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव संकेत बन सका है। अब लोगों ने इनको कभी जिंदगी में वो इमेज नहीं दी जो ये डिजर्व करते थे, पर जब भगवान आपके लिए कुछ अच्छा चाहता है तो वो आपको कहीं ना कभी जिंदगी में मिलता जरूर है। इनको इतने दर्द में भी सुकून मिलने वाला काम मिलता है और देश के लिए जो कुछ ये करते हैं वो आपको इस सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरा, मूवी के डायलॉग बहुत ही शानदार है, खास करके जब ऐसे रहीम की जॉब छूट जाती है तो वो कहते हैं मुझे सिर्फ यही काम आता है और मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो ये सीन भी आपको काफी जुनून से भर देगा अपने काम के प्रति। इसके अलावा एक और डायलॉग है, वो आपने ट्रेन में भी सुना होगा, जिसमें अजय देवगन कहते हैं मैदान में खेलना गया रहा पर दिखना है, तो ये वाला सीन काफी ज्यादा बढ़िया था। अब तीसरा जो प्लस पॉइंट है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो आपको रियल लाइफ में भी देखना बनता है और शायद ही किसी ने इस पॉइंट पर बात की होगी। तो मूवी में ऐसे रहीम साहब की पत्नी ने जो सेक्रीफाइस किया वो आज के समय में आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है, पर जिस तरह से मूवी में उन चीजों को दिखाया है तो वो हर एक इंसान के उस सेक्रीफाइस को दिखाता है जो उसने किसी के लिए किया हो। ये वो सेक्रीफाइस जो आप किसी के लिए करते हैं पर कोई इसके लिए बात नहीं करता और ना ही सामने वाले को कभी बताता है। अब मूवी में आपको वो ड्रामा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही जो इस मूवी की मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज लगी वो है इसके स्पोर्ट ड्रामा वाले सीन, मतलब जिस तरह से एक लोकेशन इन सीन्स को फिल्माया है आज तक इंडिया की, तो शायद किसी मूवी में इससे ज्यादा बेटर सीन आपको किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। अब इस मूवी में इमोशन की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, खास करके एक ऐसी देश की टीम जो अभी आजाद हुआ है उसे हार का सामना भी करना पड़ता है, तो देश की उसे और कोच को अपने देश से जो इमोशनल टच देखने को मिलता है वो भी बढ़िया है। अब इस मूवी में आपको और स्पोर्ट ड्रामा से कुछ अटकर मिलेगा तो वो है ऐसे रहीम की जिंदगी को जानने का मौका, उनकी सेक्रीफाइस जो आपको अंदर तक तोड़ने वाले। साथ ही मूवी में कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज भी दिखाई है जो रियल वर्ल्ड में भी हुई थी इंडिया के साथ, जिसमें टीम मरते मरते बची थी। तो ओवरऑल मूवी के सॉन्ग, सिनेमेटोग्राफी, स्पोर्ट्स ड्रामा बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, जिसमें कुछ ही सीन है जिसमें मूवी कुछ लोगों को थोड़ी ढीली लग सकती है। तो अगर आप लोगों को एक अच्छा स्पोर्ट्स ड्रामा देखना है जिसमें जो इंसान की कहानी है वो आपको मोटिवेशन भी दे, तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। और हाँ, मूवी में अजय देवगन की एक्टिंग भी एक बहुत अहम किस्सा है, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8/10। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।